नमस्ते बालाजी हिंदी टैरो में मैं कृष्णा दास फिर से आ गई हूँ आप लोगों की स्वागत करने। मैं फिर से लेके आई हूँ एक जनरल लव रीडिंग लेके। जो लोग नो कांटेक्ट या फिर सेपरेशन की सिचुएशन में और जानना चाहते हैं आपकी पर्सन की करंट फीलिंग्स क्या हैं, वो क्या चाहते हैं और उनका एक्शन क्या रहेगा, तो ये रीडिंग आपके लिए होगी। ये जनरल रीडिंग है तो हर बात आपके साथ रेजोनेट नहीं करेगा, कितना भी रेजोनेट करता है उसको रखें और बाकी को छोड़ दें। हो सकता है बाकी रीडिंग किसी और के लिए हो। सन साइन मून साइन किसी भी साइन से अगर आप टॉरस हो यानी वृषभ राशि हो और नो कांटेक्ट में हो या सेपरेशन में हो और जानना चाहते हो आपकी रिश्ते की स्थिति क्या होने वाला है इस हफ्ते, तो ये रीडिंग आपके लिए होगी। जनरल रीडिंग है, प्लीज इसको जनरल तरीके से ही देखे, जितना भी रेजोनेट करता है उसको रखे और बाकी को छोड़ दे। ये कोई जेंडर स्पेसिफिक भी नहीं है और एनर्जी वाइज वर्षा होते रहते हैं, इसका थोड़ा ख्याल रखिएगा। इस रीडिंग को आप 14 से लेके 20 नवंबर तक आप इसे देख सकते हो। देख लेते हैं आपकी पर्सन की करंट फीलिंग्स क्या है जिनके साथ आपका नो कांटेक्ट या फिर सेपरेशन का सिचुएशन चल रहा है। जिनके साथ आपका नो कॉन्टेक्ट या सेपरेशन की सिचुएशन चल रहा है, पेज ऑफ पेंटिकल्स नाइट ऑफ वंड्स एंड व्हील ऑफ फॉर्च्यून का कार्ड आया है। डेफिनेटली डेफिनेटली टॉरस आपके जो पर्सन है ये आपके साथ मिलने के बारे में सोच रहा है, रिश्ते को रीओपन करने के बारे में सोच रहा है, दोबारा से रिश्ते में आने के बारे में सोच रहा है। बहुत ज्यादा रेस्टलेस है रिश्ते को आगे बढ़ाने के लिए, आपसे मिलने के लिए, आपके साथ बात करने के लिए, कुछ नया करने के लिए, और सबसे ज्यादा ये इंतजार कर रहा है अपना वक्त बदलने का। व्हील ऑफ फॉर्च्यून का कार्ड आया है, ये अचानक से ऐसा कुछ हो जाए और जो हालात है वो चेंज हो जाए, डिसीजन जो है यूनिवर्स का वो उनके तरफ हो जाए, यूनिवर्स उनको वो पावर दे दे जो वो चाहते हैं। इस तरीके से ये सोच रहा है कि उनके हक में सब कुछ हो और चीजें नए तरीके से शुरू हो जाए। आपके प्रति बहुत ज्यादा आकर्षण भी महसूस कर रहे हैं और नई शुरुआत भी करना चाहते हैं। एक स्टेबल ऑफर, कभी कभी उनको लगता है आपको एक स्टेबल ऑफर देना चाहिए, कभी कभी उनको लगता है कि आपके तरफ से कोई स्टेबल ऑफर अगर आ जाए तो उसको एक्सेप्ट कर लेंगे, लेकिन जो भी है ये बहुत जल्दबाजी में है, आपसे मिलना भी चाहते हैं, आपके तरफ आना भी चाहते हैं। ऐसा भी हो सकता है कभी ये अचानक से आपकी तरफ आ जाए, ऐसा हो भी सकता है क्योंकि ये बेताब है आपसे मिलने के लिए। साथ ही साथ मुझे ऐसा लगता है कि इनको सिर्फ इंतजार है अपने बारी का, मतलब कब वक्त आएगा, कब चीजें सही होगी और कब ये एक्शन लेंगे, इस चीज का ये इंतजार कर रहे हैं आपके पर्सन। देख लेते हैं ये आपसे क्या चाहते हैं, आपके पर्सन टॉरस आपसे क्या चाहते हैं। अगर आपको रीडिंग अच्छी लगे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक शेयर एंड कमेंट करना ना भूलिएगा। किसी को पर्सनल रीडिंग चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका डिटेल्स है, आप उसे पढ़ के मेरे साथ कांटेक्ट कर सकते हो। देख लेते हैं आपके पर्सन आपसे क्या उम्मीद करते हैं टॉरस। पैसा बॉटम ऑफ द डेक में आया है, द स्टार के कार्ड। मुझे लगता है टॉरस आप किसी ग्लैमर वर्ल्ड से जुड़े हुए हो और आप बहुत ज्यादा पैसे पर फोकस्ड हो, तो ये चाहते हैं। सेवन ऑफ पेंटिकल्स, फोर ऑफ पेंटिकल्स एंड एट ऑफ पेंटिकल्स, उनको पता है कि आप दिन रात मेहनत कर रहे हो पैसे के लिए, पैसे जमा करना, पैसे सेविंग्स करना, पैसे को सही तरीके से इन्वेस्ट करना और कहीं से पैसा आ जाए इसका इंतजार भी आप कर रहे हो, लेकिन ये उम्मीद कर रहे हैं कि आप पैसों के अलावा भी और चीजों पर भी थोड़ा ध्यान दीजिए, खुद को हील कीजिए, अच्छी चीजों को सोचिए, जो भी रिश्ते में परेशानी आया था उन चीजों को भूल जाइए। आपको कुछ चीजों को लेट गो करनी पड़ेगी, ऐसा नहीं कि अभी भी आप पुरानी बातों को दिल से लगा के बैठे हुए हो और अपना जो पूरा फोकस है वो पैसे कमाने में आपने दे दिया, रिश्ते में आपका ध्यान ही नहीं है कि आप किसी के साथ रिश्ते में हो, उनके रिश्ते की प्रति भी आपका कोई ड्यूटीज हैं, जिम्मेदारी है,
इन चीजों को आप भूल के हमेशा पैसों के पीछे आप इन्वेस्ट कर रहे हो, और आप इंतजार तो कर रहे हो, खुद को इन्वेस्ट कर रहे हो पैसों के पीछे, पैसे कमा भी रहे हो, पैसे जमा भी कर रहे हो, पैसे खर्च भी करने के तरीके भी आपके पास है, लेकिन सब कुछ आप पैसों के लिए ही कर रहे हो। रिश्ते के लिए आपके मन में जो शिकायतें हैं, जो गिले शिकवे हैं, उसे लेट गो करनी पड़ेगी, क्योंकि मुझे लगता है आप पूरी तरीके से चीजों को छोड़ नहीं पा रहे हो, और आप सब कुछ होते हुए भी फिर भी पैसे के पीछे ही दौड़ रहे हो, पैसे के अलावा आपको फिलहाल कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। इसके लिए उनको लगता है आपको मी टाइम स्पेंड करना चाहिए, खुद के लिए थोड़ा वक्त निकालिए, अपने आप के साथ रहिए। आपकी भी कुछ गलती हुई होगी इस रिश्ते में, तभी रिश्ते की स्थिति नो कॉन्टेक्ट या सेपरेशन जैसा स्थिति में आ गया है, तो आपको उस बारे में भी थोड़ा सा सोचना चाहिए। जैसे कि आप इंतजार जिस शिद्दत से आप पैसे कमाने की, पैसे जमा करने की और पैसे आने की इंतजार कर रहे हो, कुछ रिश्ते के बारे में भी सोच लिया करें। देख लेते हैं इनका खुद का क्या एक्शन रहेगा। टॉरस, आप किसी टॉरस वर्गो कैप्रिकॉन के साथ भी डील कर सकते हो, वैसे कोई भी राशि हो सकता है, कोई लियो हो सकता है, सजिटेरियस हो सकता है, क्योंकि मेजर रखना के ऑलरेडी एक कार्ड आया है, इसमें 12 के 12 राशि आ जाते हैं। देख लेते हैं आपके पर्सन की खुद का क्या एक्शन रहेगा। अगर ये खुद एक्शन लेते हैं तो उनका एक्शन क्या होगा। टॉरस, वेरी गुड। टेन ऑफ सोर्ड्स, एट ऑफ वॉन्ड्स एंड फोर ऑफ वॉन्ड्स के कार्ड, जिनके साथ आपका रिश्ता है, रिश्ते तो फिलहाल नो कॉन्टेक्ट में ही है तभी आप ये रीडिंग देख रहे हो, लेकिन ये बंदा या बंदी जो भी है, कितना भी दुखी है, कितना भी परेशान है, इनको लगता था कि ये रिश्ता पूरी तरीके से खत्म हो गया है, आपने ऐसा बर्ताव किया है, रिश्ते में ऐसा कुछ हुआ है, आपने ऐसा धोखा दिया कि ये जिंदगी में और खुद को कभी भी आपके सामने नहीं ले पाए, लेके आ पाएगा, या रिश्ता फिर से नहीं जुड़ेगा, लेकिन ये खुद से उन चीजों को भूलना चाहते हैं और ये एक्शन जरूर लेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल ये डिजिटल कम्युनिकेशन करेंगे, करके आपके साथ बहुत सारी बातें करेंगे, बात करके स्थिति को क्लियर करेंगे, आपको एक स्टेबल ऑफर भी दे सकता है, कभी आपसे माफी भी मांगने के बारे में सोच रहा है, और कहीं ना कहीं उनको लगता है इतनी परेशानी रिश्ते में है, इतनी परेशानी के बाद भी ये रिश्ता उनके दिमाग से नहीं जा रहा है, तो क्या ये ट्विन फ्लेम वाला रिश्ता है। 11-11 का कार्ड आया है, साथ ही साथ मैंने पहले ही कहा कि कार्ड आया था व्हील ऑफ फॉर्चून का, उनको लग रहा था कि अचानक से सब कुछ बदल जाए, चेंज हो जाए, यूनिवर्स का जो ब्लेसिंग्स है उनके तरफ हो जाए, लक उनका साथ दे दे, और अचानक से डिवाइन इंटरवेंशन की वजह से चीजें सही हो जाए, तो ये डेफिनेटली कोशिश करेंगे आपके साथ बात करने की, कम्युनिकेट करने की, क्लियर कम्युनिकेशन करने की, क्योंकि इनको आपको समझाना है कि ये जो रिश्ता है ये कोई मामूली रिश्ता नहीं है, ये सोल कनेक्शन है, और इस रिश्ते को यूं ही कुछ वजह से, हल्के वजह से या कोई भी वजह हो, रिश्ता तोड़ा नहीं जाएगा। कुछ लोगों की शादी वाला रिश्ता है, उनकी शादी में बच्चे भी इन्वॉल्व हैं, बच्चों के लिए भी रिश्ते को रखना पड़ेगा। जो लोग सेपरेशन में है, ये इस तरी इस विषय पर आपसे बात करेंगे। कुछ लोग जो है लव रिलेशन में है, शादी नहीं हुई है, फिर भी वो माफी मांगेंगे, बात करेंगे, कॉन्टेक्ट करेंगे, और आपको ये समझाएंगे कि ये रिश्ता किसी भी वजह से रिश्ते को तोड़ देने वाला रिश्ता ये नहीं है। देख लेते हैं एंजल की तरफ से आपके लिए क्या गाइडेंस है। डेफिनेटली वही कार्ड आएगा ना जो स्थिति दिखा रहा है, सिचुएशन विल बी इंप्रूव। एंजल आपसे ये कह रहा है कि जो भी
परिस्थिति रिश्ते का चल रहा है, ये डेफिनेटली इम्प्रूव होगा, ये रुक जाएगा, अच्छे स्थिति पैदा होंगी रिश्ते में, क्योंकि बंदा या बंदी जो भी है ये खुद से इनिशिएटिव लेंगे, आ रहे हैं आपकी तरफ। तो डेफिनेटली अगर कोई आपकी तरफ आ रहा है, बात करना चाहते हैं, कम्युनिकेट करना चाहते हैं, बैठ के चीज़ों को सॉल्यूशन, चीज़ों की सॉल्यूशन निकालना चाहते हैं, सॉल्व करना चाहते हैं प्रॉब्लम को, तो सिचुएशन तो वैसा नहीं रहेगा, सिचुएशन विल बी इम्प्रूव। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और वीडियो देखते रहिए।